अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। तुम्हारा सड़ियन यूनिफॉर्म हुआ, अरे कपड़ा है कि कफन? गंगा कसम, ससुरे वार्ड से बाहर आई तो अपने आप ठीक हो गई। मनहूस जगह। ऐसा मत कहिए, बहुत लकी है 36 नंबर। अरे खाक लगती है ये गेहूं की बोरी, तू एक बार पहन के तो देख, जब पागल ना होवे वो भी पागल हो जाएगी पहन के। ए बबुआ, हमरे जाने के बाद खेती बाड़ी घर में सब ठीक तो है या वही नौटंकी चल रही है? अरे माँ सब ठीक है माँ। अरे घूम रहे होंगे सबके सब, वो धोती और तकिया उछाल उछाल के। नहीं माँ सब ठीक है, आप चलिए तो। कहाँ ठीक है, एक बार मुझे घर पहुँचने तो दे, ऐसा कड़क कंट्रोल कर दूंगी मैं कि छठी का दूध याद आ जाएगा। आप यकीन तो कीजिए सब कुछ ठीक है यहाँ पे, अब चलना। चलिए। अरे सुनिए तो, मैंने आपकी सारी दवाइयाँ पैक करके आपके सामान में रख दी है, खाना मत भूलना है माँ जी। अरे धूल पड़े तेरी दवाई की पुड़िया माँ, चल जान छूटी यहाँ से, चल चल जल्दी चल, सामान तो रख, दरवाजा खोल ना, चल जल्दी ड्राइवर। क्या बकवास औरत थी ये, इतने प्यार से देखभाल की आपने, बेटी की तरह प्यार दिया इसे, जाते जाते बात भी नहीं की आपसे, क्या जमाना आ गया है घनघोर कलयुग। ये बुड्ढी, ये कंजूस औरत, साली 50 रुपए भी नहीं देके गई, 100% तू इधर ही वापस आएगी पूरी तरह पागल बन के। आखिर तक हमारे साथ रहोगी ना? बेटी भी कहा और पूछती हो, मेरी तो कोई मां नहीं है, सिर्फ तुम ही हो। लीजिए एक विशेष आज अपने निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी से चल रही है यात्रियों की असुविधा के लिए। हेलो,
सैनिटोरियम। डॉक्टर खुराना तो अभी तक आए नहीं है, मगर मुझे बताया गया था कि आप लोग आने वाले हैं। आनंद शर्मा केस, राइट? जी हाँ, मैं दीपक शर्मा हूँ, आनंद का बड़ा भाई। ये है कोर्ट के कागजात। कहिए, आप इसे अभी एडमिट करेंगे? जी नहीं, दिमागी मरीज को एडमिट करने से पहले कुछ खास प्रोसीजर करना पड़ता है। जब तक हमारे डॉक्टर्स को पूरा यकीन नहीं हो जाता, तब तक हम उसे एडमिट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मिस्टर आनंद, अदालत का और तुम्हारे फैमिली मेंबर्स का कहना है कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तुम्हारा क्या कहना है? अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि मैं पागल नहीं हूं, तो आप मुझसे ये कहेंगे कि दुनिया का हर पागल यही कहता है। उसके ऊपर से मेरे पे खून का इल्जाम भी है। अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि मैं खूनी नहीं हूं, तो आप मुझसे ये कहेंगे कि दुनिया का हर खूनी ये कहता है कि मैं खूनी नहीं हूं। इस कार्ड के डिजाइन को देखकर तुम्हें क्या लगता है? इसमें लगना क्या है? ध्यान से देखो, तुम्हें नहीं लगता इसमें तितली है, फूल है, बड़ा बादल है? उसका जवाब मैं आपको अभी दे देता हूं, लेकिन पहले आप मुझे एक बात बताइए। जो भी यहां पे आता है, आप सब मिलकर उससे ऐसे स्टूपिड वाहिया सवाल पूछ पूछ कर उसे पागल बना देते हैं। सॉरी, हम मिस्टर आनंद को यहां एडमिट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, जल्दबाजी मत कीजिए। आनंद के सर पर खून का इल्जाम है और सरकारी डॉक्टर उसे पागल करार कर चुके हैं, और अदालत पागल इंसान पर मुकदमा नहीं चला सकती, इसीलिए तो हम उसे यहाँ लेकर आए हैं। मिस्टर शर्मा, आपकी सारी बातें मानता हूँ मैं, लेकिन हमारे टेस्ट के मुताबिक आनंद बिल्कुल नॉर्मल है। मिल गई, मिल गई। मेरे साथ खेल रही थी, मेरे साथ खेल रही थी, मेरे साथ खेल रही थी। अब क्या? ये साली मक्खी मेरे साथ खेल रही थी। अरे आनंद, बाय द वे, आप लोगों ने डिसाइड क्या किया? मैं पागल हूं कि नहीं? एडमिट हिम। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? नहीं पापा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने 2 दिन की छुट्टी ली है। छुट्टी की अर्जी दी? जी। पता नहीं, रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। तुम्हारा काम हो गया मुन्ना? अच्छा, मैंने क्रिकेट बोर्ड से बात कर ली है। क्या क्या सौरव गांगुली आजकल ज्यादा अच्छा खेल रहा है, मगर जैसे ही वो खराब खेलेगा उसे यहाँ लाकर रख देंगे और तुम्हें कैप्टन बना देंगे। मगर किसी को बोलना नहीं। सुनील बेटा, मेरे लिए फूल लाए? ऑफ कोर्स, तभी बुलाए। ओह दादा, थैंक यू। किताब उल्टी है। मेरा नाम आनंद है। टटलू जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ओ टटलू जी, सलाम का जवाब तो दो। अरे ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? ओ टटलू जी, ठीक है भाई, नहीं बात करना मत बात करो, मुझे भी आपसे बात नहीं करनी। रुको रुको, सिग्नल क्यों तोड़ा? गलती हो गई साहब, पहली बार जाने दो ना। नहीं, लाइसेंस दिखाओ पहले। जेल जाना है तो फिर लाइसेंस दिखाओ। ठीक है जाओ। आगरा किधर है? आगरा, 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 आगरा,
यहाँ से राइट लो और फिर तीन राइट और लो। संभल के चलना। ओम शांति। ओम। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं भगवान के लिए घंटी बजा रहा हूँ। लेकिन यह घंटी कहाँ है? यहाँ भगवान भी कहाँ है? नन्हे चुप रहे, चुप रहे नन्हे, आपका भी बोझ पड़ जाएगा। नन्हे चुप रहे। पत्ते खेल रहे दद्दू। आप चाइनीज हो? नहीं। आप चाइनीज हो? नहीं। आप चाइनीज हो? हाँ हूँ। लेकिन फिर आप लगते क्यों नहीं हो? आए दद्दू, मैं आपके साथ पत्ते खेलूं? ये अमीरों का क्लब है, तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? इनको बताओ हम कितने अमीर हैं। मेरे पास चॉकलेट के खेत है, इसको मिठाई के पेड़ है, आलू प्याज बनाने की फैक्ट्री है। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो अभी अभी आगरा से ताजमहल खरीद के आ रहा हूँ। मैंने बेचा कब? ठीक है तो सौदा कैंसिल। टाटा बिरला चुप। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। पहले क्यों नहीं बताया? बैठ जाओ, आ जाओ, इसको पत्ते दो। अरे ये खेलेगा तो एक आदमी कम पड़ेगा ना। तो फिर उस टकलू जी को बुलाओ ना। वो क्या खेलेगा? वो ना बोलता है ना हिलता है, सब्जी की तरह पड़ा रहता है। ये फूल मुझे दो ना। फूल नहीं है ये, गुलाबो है। सिर झुका के इसको प्रणाम करो। जीतते रहो बालक, खेलो। मेडिकेशन टाइम। दवाइयाँ तैयार है, सब कतार में आकर दवाइयाँ ले लो। चले चल 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 जल्दी चल जल्दी चल। सुना नहीं? उठ रहे उठ। चले मोटे, चले मेदे की बोरी। ओम शांति शांति ओम। चले स्वामी चल दवा खाने चल। शांति 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 शांति। उधर बाथरूम दोरी है, चल दवा खाने चल। तुम मेरे शरीर को दवा खिला रहे हो या मेरी आत्मा को? अबे एक मुंह पे दूंगा ना, आत्मा पीछे से निकलेगी। चल चल। तुम्हारा नाम क्या है? वैसे तो मेरा नाम आनंद है, लेकिन मेरे दोस्त मुझे आनंद ही बुलाते हैं। ये लो। कड़वी है? आज कड़वी लगेगी, लेकिन दो चार दिनों के बाद ठीक लगेगी। तो फिर ठीक है, मैं दो चार दिन के बाद पी लूंगा। ऐसे नहीं मानोगे। ये भी पियेंगे? वो तुम्हारे मुंह में गोली घुसाएंगे। नहीं, मैं खुद घुसा लूंगा। क्यों खानी पड़ी ना? जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। मिटन सावंत बाहर आइए। मेरे मना करने के बावजूद भी सिस्टर टेरेसा ऑपरेशन थिएटर में क्यों आई? सर वो टेरेसा। चल आप। इस हॉस्पिटल में कौन कब आएगा, कितने बजे तक काम करेगा, कब जाएगा, ये सब मेरे बनाए हुए नियमों के अनुसार होगा। जो नहीं मानेगा उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं। सिस्टर टेरेसा को दफा कर दो यहाँ से। बस 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 एक बात सुन लेना, उसे नहीं आने देना। रात हो या दिन यहाँ होगा डिसिप्लिन। बाप का बगीचा है, ये बैठे बैठे चलता है, ये मेरे आगे हाथ जोड़े पैर पड़े जान दे दे, रोना रोए माता टोके, फिर भी उसे मैं कभी यहाँ आने दूंगा नहीं। आई भी कभी तो मेरे उसे जीने दूंगा नहीं। सड़े हुए संतरे की सूखी सूखी बीज, लड़की है वो बड़ी बदतमीज। धक 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 हार्ट बीट की कसम, मेरे लिए आज से वो हो गई खत्म। वो भूखी मरी घर पे ये खाए किशमिश, आज से है वो डिसमिस डिसमिस डिसमिस। नया आए हो? जी। तो दांत क्यों दिखा रहे हो? ए, इससे पंगा मत लेना। कौन है ये? कर्नल खुराना, आर्मी से है, एकदम कड़क। हवलदार है? हवलदार है? इसका नाम आनंद शर्मा है, बड़े घर का लगता है। माँ बाप तो रहे नहीं,
एक बड़ा भाई, दो बहनें हैं, वो सब अमेरिका में रहते हैं। इसके बड़े भाई को इसकी इतनी चिंता है कि उसने कोर्ट के पीछे पड़कर स्पेशल परमिशन दिलवाई कि उसका इलाज सरकारी अस्पताल में ना होकर किसी अच्छे प्राइवेट अस्पताल में होना चाहिए, इसीलिए यहां लेकर आए। ब्लैंक चेक। आनंद के पिताजी का नाम क्या है? रिटायर्ड जज जगन्नाथ शर्मा। वाह सुनील वाह, पूरे जिले में फर्स्ट क्लास फर्स्ट, वेरी गुड। अरे भाई तुम्हारी तरक्की देखकर तो हमारी छाती गर्व से फूल गई है। सी जी आपका हाथ है हम पर। नहीं बेटा नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। पीढ़ियों से तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे घर वाले हमारे यहाँ काम करते आए हैं, लेकिन ये तो तुम्हारी मेहनत और लगन का नतीजा है कि तुम यहाँ तक पहुंचे हो। जीते रहो बेटा। ये लो बेटा, ये अपने सुनील भैया को दे दो। हम इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए बेटा कि इन्हीं पैसों की मदद से तुम्हारे सुनील भैया पढ़ लिख कर बहुत बड़े डॉक्टर बने, और अगर कहीं तुम बीमार पड़ गए तो तुम्हारा इलाज भी कर सके। सुनील। हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। कम इन। सर। ओए इधर आओ। ए ऊपर देखो। अबे उधर नहीं, नीचे मेरी तरफ देखो। तुम्हें देखते ही समझ गया था मैं कि बहुत टेढ़ी खीर हो। एक बात कान खोल कर सुन लो, इस अस्पताल में अगर कोई मरीज मेरी बात नहीं मानता तो मैं बहुत सख्ती से पेश आता हूं उसके साथ। एक सेकंड में सारी हेकड़ी निकाल देते हैं हम। कभी गलती से भी ऐसा मौका मत देना मुझे, समझ में आया? यू मे गो नाउ। एक बार फिर से दबाऊं? प्लीज। ओके सॉरी। आनंद, पहचाना मुझे? आप? कहाँ मिले थे? अभी हवलदार के पास बैठे थे ना। जाओ जाओ। ये दवाई खाने के लिए है। अच्छा तो आप खा लो। चुपचाप मुंह बंद करो और दवाई खा लो। अगर मुंह बंद करूंगा तो खाऊंगा कैसे? मैंने कहा ना दवाई खाओ, खाते हो कि नहीं? अरे खाना दवाई खाओ, खाते हो कि नहीं? ये दवाई, ये दवाई, ये दवाई। पहले ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। सब तैयार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
ये क्या तुम्हारे बाप का बगीचा है? सीधे खड़े नहीं रह सकते तुम लोग? तेरी माँ को श्राप दे तू इधर यहाँ पर खड़ा रहे, सीधा खड़ा नहीं रह सकता तू। एंटनी रुको, गलती उसकी नहीं किसी और की है, जो ऐसे भोला बन रहा है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो। यू 36 नंबर, कम हियर। चल तुम्हें एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है ना, तो मत करो, चलो मेरे साथ। भगत जी। मैडम तुम जाओ और बाकी कमरों की सफाई करो। ओके मैडम। तुम्हें एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता ना, तो तुम ये पूरा कमरा साफ कर लो। और हाँ, मेरे आने से पहले ये पूरा कमरा साफ होना चाहिए। ओके। इधर आओ, इधर। ये तुम क्या कर रहे हो? साफ कर रहा था। किसने कहा? ये सफाई कर रहे हो या सत्यानाश कर रहे हो? मैं तो झाड़ू लेके आया, झाड़ू वहां टकराया, वहां पर पता नहीं वो फिर क्या हुआ, वहां पे तकिया फटा, फिर वहां से वो आया और यहाँ पे। इसको शौक रूम में लेकर आओ। मक्खी मक्खी हवाला के मुंह से मक्खी। छोटी सी मक्खी मक्खी। चलो इस पर लेट जाओ। ओके पकड़ो। Thank you.
आजकल तुम इतनी उदास और अपसेट क्यों रहती हो? कुछ नहीं पापा, मैं ठीक हूं। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारा पापा ही नहीं बल्कि एक साइकाट्रिस्ट भी हूं, इसलिए मुझसे क्या छुपाना। मैं जानता हूं कि मिसेस शोभना के बिना कुछ कहे इस तरह चले जाने से तुम काफी अपसेट हो, और दुख इस बात का है कि तुमने अपनी मां की तरह उसकी सेवा की। देखो, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि मरीजों से दिल लगाना अच्छी बात नहीं है। अच्छा सुनो, मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे इंग्लैंड जाने के फॉर्म्स मैनेज किए हैं, हमें पहले ही देर हो चुकी है, तुम कल ही इन सारे पेपर्स पर साइन करके भेज देना, वरना इस साल तुम्हारी एडमिशन पॉसिबल नहीं होगी। माइकल, अगर एक और बार तूने आवाज की ना तो सेल में बंद कर दूंगी। चुप। ए माइकल, रोता क्यों है? तेरी गाड़ी खराब हो गई? रोजी चली गई है ना, तो फोन करके बुला ले। नहीं आ सकती ना, ऊपर गई है गॉड के पास 3 साल पहले, आज उसकी सालगिरह है और मुझे प्रार्थना करने के लिए सिर्फ एक मोमबत्ती चाहिए। वो लोग मना कर रहे हैं, मुझे सिर्फ एक मोमबत्ती चाहिए। मैं लेके आऊंगा। मुझे एक मोमबत्ती चाहिए। क्या इतना लाइट कम है क्या? काय को चाहिए मोमबत्ती? भगवान से प्रार्थना करनी। भगवान की प्रार्थना करनी है? वो नारायण को बोलिए, नारायण ने मना किया क्या? चल ए ले साले, एक तो मोमबत्ती चाहिए, मतलब कि मोमबत्ती चाहिए। एक खींच के दूंगा, सीधा भगवान के पास जाएगा। चल भाग यहां से। अरे भागना। तेरा ध्यान किधर है? पत्ता फेंकना। अरे आए रे, जोर से लेगी। पत्ता नहीं देखना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। क्या चाहिए? कपड़े उतार। क्या? सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। ए, क्या बोलता है? बस तुमको कपड़े उतार के सोना है। ए वाह, वैसा आदमी नहीं है मैं। नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हो। 15 मिनट के लिए आप मुझे अपनी वर्दी दे दो, मैं बाहर जाके आता हूँ, आप चादर ओढ़ के सो जाना। तू मुझे 20 रुपये में खरीदना चाहता है? वड़ा पाऊ मैं क्या? अरे ये चमड़ी जाएगी, वर्दी नहीं जाएगी मेरी, समझ के क्या रखा है? ऐसे हरकत आईंदा की ना तो हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं, बोल देता हूँ। हाँ, समझ में आया? ऐसा मत करना आगे से। एड़ी जल्दी आ जाएगा ना, 15-20 मिनट में आ जाएगा ना। क्या है, मेरी वर्दी का सवाल है, नौकरी का सवाल है ना, जल्दी फटाफट आ जाना, लटकाना नहीं मेरे को। हाँ जी बताइए। हाँ जी जी, ठीक है, ओके। ए, गाड़ी घुमाओ और फौरन हॉस्पिटल चलो। सुनील, तुमने 36 नंबर के पेशेंट को यहाँ कहीं देखा है? नहीं, क्यों? मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ कहीं देखा है? नहीं नहीं सर। चलो चलो हॉस्पिटल चलो।
सर। नंबर 36 कहाँ है? सर वो यहीं कहीं। मैंने पूछा नंबर 36 कहाँ है? सर वो यहीं पर था सर। मुझे मालूम है वो यहाँ नहीं है। मेरे साथ आओ। कहाँ थे तुम? अंदर। सुबह से 36 बार जाके आया हूँ। खाना बनाते हो? बच गए यार। तुम माइकल के प्रेयर के लिए तुम कैंडल लेने गए? मॉर्निंग सर। चोरी चोरी। उसकी रोजी बहुत अच्छी थी और माइकल बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन मोटा है, इसलिए वो शहर तक भागकर कैंडल नहीं ला सकता था ना। तो मैं क्या? ये क्या? स्टाइल। मैं भी करूं? वेरी थॉटफुल। अगर तुम पकड़े जाते ना तो बहुत मुसीबत हो जाती। हवलदार को बताओगे? नहीं, मगर एक बात याद रखना, एक ही भलाई के लिए दूसरों को प्रॉब्लम में डाल सकते हो, तो आइंदा मत करना। नहीं करूंगा। सुनील भैया। आप मुझे यहां से बचाओगे? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। बता कहां से लाया? बता, बोलिए मोमबत्तियां कहां से लाया? बोल। अरे एड़े सुनाई नहीं देता क्या? बोलना। बोले अबे घोंचू, क्या मोमबत्ती कब्रस्तान से उड़ के आई क्या अंदर? बोलना। ए भैरा हो गया क्या? भैरा हो गया क्या? बोलना अंदर। बोल। बोलना यहाँ पर मोमबत्ती। बोल नहीं तो कूद डालेगा तेरा। बोलना यहाँ पर मोमबत्ती। बोल। अरे बोलना। ए बोल। बोल। बोले तो किसी को नहीं मालूम ये मोमबत्ती कौन लाया? नारायण, ये मोमबत्ती अंदर लेकर जाओ। Stop it, I said. Bring him to the shock room. Yes, sir. Sunil bhaiya, no, shock, no. Sunil bhaiya, Sunil. लेकिन सर डॉक्टर खुराना का किसी का ऑर्डर हो जाओ यहाँ से। पागल 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 पागल। आप हमें यहाँ क्यों लाए? क्योंकि अस्पताल में मैं सबके सामने तमाशा नहीं बनना चाहता था।
मुझे लगता है कि तुम्हें ये लगने लगा है कि मुझे मरीजों का इलाज करना नहीं आता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर तुम मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ क्यों गए? आनंद को शॉक रूम से वापस क्यों ले गए? एक खूनी के साथ इतनी हमदर्दी? इसके पीछे एक छोटी कहानी है जो मेरी जिंदगी में अहम। आनंद के परिवार की नौकरानी शन्नू का बेटा आज डॉक्टर सुनील बन गया है। उस वक्त इसी मरीज आनंद के हाथों से मुझे अपनी पढ़ाई के पैसे मिले थे। तब वो मेरे लिए सेठ जी का बेटा नहीं, मेरा लंग उठिए यार, मेरे छोटे भाई की तरह था और मैं उसके लिए सुनील भैया। आज इतने सालों बाद जब उसने सुनील भैया कह के पुकारा तो मैं एक मिनट के लिए बह गया था। आई एम सॉरी सर, दोबारा ऐसे नहीं होगा। आज का काउंसलिंग सेशन खत्म हो रहा है। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ कहना है? मैडम, ये यहाँ स्पीकर क्यों लगाए गए हैं? हमारी आवाज आप तक ठीक से पहुंचाने के लिए। फिर इसमें म्यूजिक बजाओ ना। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है ना? सिर्फ तुम्हारे कहने से हम म्यूजिक नहीं बजा सकते। तुम्हारे वार्ड में और भी 26 लोग हैं, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन कभी इन्होंने मना भी तो नहीं किया। आप कभी वहां पे टेप रिकॉर्डर रेडियो तो रख के देखिए, बड़ा मजा आएगा। संगीत जादू कर सकता है, क्यों स्वामी जी? संगीत एक समंदर है और समंदर में मछली रोती है। क्या? क्योंकि हम मछली को पकड़कर मस्त तेल में डालकर फ्राई करके खा जाते हैं, इसलिए मछली रोती है और उसके आंसुओं से सारे समंदर का पानी खारा हो जाता है। संगीत जिंदगी है, क्यों अब्दुल, है ना माइकल? हाँ, लेकिन ये जिंदगी क्या है? तुम्हें नहीं पता जिंदगी क्या है? अरे ये तो सबको पता है जिंदगी क्या है। तेरे पास जिंदगी है? खत्म हो गया। ये जिंदगी क्या है गांधी जी? ए, ये जिंदगी क्या है? पता नहीं, मैं तो यहाँ नया हूँ। मैं बताता हूँ जिंदगी क्या है। जिंदगी? अरे जब तुम लोगों को पता नहीं जिंदगी क्या है तो मैं तुम लोगों को बता के क्या करूंगा? तो तुमने अगर मेजोरिटी चाहेगी, मतलब आप लोगों में से कम 13 लोगों की हाथ ऊपर होनी चाहिए, तब हम परमिशन देने की सोचेंगे। बोलिए, किस किस को संगी चाहिए, हाथ ऊपर कीजिए। देखा? नहीं, और 9 हाथ ऊपर होने चाहिए। उंगलियां नहीं चलेंगी? नो, उंगलियां नहीं, 9 हाथ चाहिए। अच्छा, नो, ये चीटिंग है। एक आदमी एक हाथ, और तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। स्वामी जी हाथ ऊपर करो, स्वामी जी हाथ ऊपर, स्वामी जी, स्वामी जी, मंदिर की घंटी किधर है? ये चलेगा ना? नो। हाँ चलेगा, मगर 8 हाथ और चाहिए। नन्हे, चोर आया, चोरी किया, पुलिस आया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, ये चलेगा ना? और 7 हाथ और। ठीक है, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, जितने भी अमीर आदमी हैं सब लोग हाथ ऊपर करो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, 100 करोड़ की आबादी के अंदर 7 अमीर आदमी नहीं है। 5 बस और 2। माइकल, माइकल, हे माइकल, हे माइकल, हाथ ऊपर करना, हम लोग सब म्यूजिक सुनेंगे। हे माइकल, मैं तेरी कैंडल लाया ना, अब तुम्हारे लिए हाथ उठा दे। तुम्हारे लिए हाथ नहीं उठाएगा, मेरे लिए हाथ नहीं उठाएगा तू। मैं तेरी कैंडल चुरा के लेके आया, इन लोग सब ने मुझे इतना मारा और तुम्हारे हाथ नहीं उठाएगा। लोग सही कहते हैं लोग कि पागल आदमी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। माइकल, 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 बता सबको कि तेरी रोजी किधर है, बता सबको, सबको बता कि तेरी रोजी किधर है, रोजी किधर है तेरी, बता सबको रोजी किधर है। एक और चाहिए ना? टकलू जी, टकलू जी, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ टकलू जी। देखो अभी से तुम्हारी आंख चल रही, जब तुम अच्छा संगीत सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग चलेगा, तुम्हारा दिल धड़केगा, तुम्हारा जिया मचलेगा और फिर तुम्हारा रोम रोम फिर से जाग उठेगा। तुम जीने लगोगे टकलू जी, तुम जीने लगोगे।
तुम सब लोग पागल ही नहीं बेवकूफी हो। तुम लोगों को पता ही नहीं कि संगीत का जादू कहाँ कहाँ फैलता है। हंसने में, रोने में, पाने में, खोने में, दुनिया के हर कोने में संगीत ही संगीत है। बच्चे की सुसु में, कोयल की कुकु में, माँ की लोरी में, गांव की गोरी में संगीत ही संगीत है। गाड़ी की टिक टिक में, बीवी की झिक झिक में, बारिश की टिप टिप में संगीत ही संगीत है। सुनसान स्टेशन पर भागती हुई फास्ट ट्रेन की गड़क 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 पकचुक 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 रुक 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 में संगीत ही संगीत है। देश में, शहर में, रास्ते में, गली में, अगली में, पिछली में, फूलों में, तितली में संगीत ही संगीत है। बंदूक की गोली में, ईद में, होली में, आंखों की बोली में संगीत ही संगीत है। कैसेट में, सीडी में, शराब में, बीड़ी में, सारी में, मीडी में संगीत ही संगीत है। सारे गमा पता नहीं सर, सारे गमा पता नहीं सर, सारे के सारे, सारे गमों में, स से रे, रे से ग, ग से म, म से प, प से ध में, ध से धनी सा में, हर दिशा में संगीत ही संगीत है। डांस में, रियाज में, श्लोक में, नमाज में संगीत ही संगीत है। भगवान में मिल गया आखिरी याद मिल गया। टाइम ओवर, टाइम नॉट ओवर, हमें संगीत चाहिए। डॉक्टर आप ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती आप, प्लीज संगीत चाहिए, संगीत चाहिए, मतलब कि संगीत चाहिए, प्लीज संगीत चाहिए, संगीत प्लीज संगीत चाहिए, संगीत ही मतलब संगीत है तेरे, ऐसा नहीं कर सकते।
हेलो आई नो पापा, मुझे पता है लंदन स्पॉन्सरशिप के लिए आखिरी दिन है, बस वही काम कर रही हूँ, खत्म करते ही पोस्ट कर दूंगी, बाय। हेलो मत, ऐसे ही खड़े रहो। मुर्गे को मच्छर ने काटा। हाथ मत हिलाओ। जहां बोला था वहीं खड़े रहो, इधर आओ, कम यार। ज्यादा नाटक किया तो सिक्योरिटी को बुलाऊंगी, मार पड़ेगी। डोंट मूव। क्या कर रही हो? What are you doing? पागल ने मेरे सारे पेपर्स खराब कर दिए। उन्होंने मारा। आज लंदन एप्लीकेशन फॉर्म भेजने का आखिरी दिन था। मेरे रिसर्च और लंदन की ट्रिप का क्या होगा? थप्पड़ मार। इस पागल ने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। तन्वी, प्लीज तन्वी, तन्वी। मैं आपको नई चूड़ियां ला दूंगा। ओह शट अप। ला दूंगा। मैं आपको ला दूंगा नई चूड़ियां। मैं आपको ला दूंगा। यूं समझो कि लंदन जाना तुम्हारे नसीब में नहीं था, और वैसे भी तुम प्रैक्टिस करना चाहती थी ना, ये रिसर्च बीच में कहां से आ गया? तन्वी, कहते हैं मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। कई दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, मगर ये वक्त और जगह ठीक नहीं है। शाम को जब घर चलेंगे तब बात करेंगे। मैं जानता हूं कि तुमने एक बेटी की तरह शुभना माथुर की सेवा की, उसका इलाज किया, और जब वो ठीक हो गई तो उसने तुम्हें पहचाना भी नहीं, एक अजनबी की तरह बर्ताव किया, और उसी दिन से तुम्हें 36 नंबर से नफरत हो गई। जब तुमने आनंद को 36 नंबर के कपड़े में देखा तो तुम्हें उसे भी नफरत हो गई। मगर मैं आनंद को जानता हूं, वो मेरे छोटे भाई की तरह है, मैंने उसे बड़ा किया है। जब आखिरी बार मैंने उसे देखा था तो मैंने कभी नहीं सोचा कि उसे इस हाल में पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आनंद एक नॉर्मल इंसान की तरह यहां से जाए। आपके कहने का मतलब क्या है? मानसिक मरीजों का इलाज सिर्फ दवा से नहीं, दिल से किया जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम इस केस में मेरी मदद करो। ये डायरी मुझे आनंद की बैग से मिली है, तुम इसे पढ़ो और तय करो कि तुम्हें क्या करना है। तो इस तरह मेरी जायदाद को लेकर मेरे बच्चे आपस में लड़ने लगे, दिन रात कुत्ते बिल्लियों की तरह, यहां तक कि खून खराबे की नौबत आ गई। ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा इस झगड़े को खत्म करने का एक ही तरीका है, जब तक मैं अपनी वसीयत नहीं बनाऊंगा तब तक तो मेरे घर वाले मेरा कुछ नहीं कर सकते ना, इसीलिए पागलपन का ढोंग रचाया और यहां आके रहने लग गया चुपचाप। बला टली, बस एक ही बात का अफसोस है, मेरा एक पोता है राहुल, मेरी जान है। उसके माँ बाप तो हवाई जहाज के एक्सीडेंट में चल बसे, उसका मेरे सिवा और कोई है नहीं। कल उसका जन्मदिन है, मैं हर साल उसको कोई ना कोई तोहफा भेजता हूँ, इस बार भी इंतजार करता होगा बेचारा, क्या करूँ कुछ समझ में। गद्दू, इतनी छोटी सी बात, आप तो अपना टॉवल उतारो, मैं अपना पजामा उतारता हूँ, नहा लो, नहाते नहाते मुझे अपने पोते का एड्रेस दो, रात के डिनर से पहले आपके पोते का तोहफा पहुंच जाएगा। साला तू पागल है कि वो लोग पागल है जिन्होंने तेरे को इधर रखा है? ए, टाइम पास मत करना, फटाफट आ जाना, समझा ना, और उड़ती चिड़िया के पंख मत गिनना, नहीं तो मेरी बैंड बजेगी, समझा? आप फिक्र मत करो, पिछली बार भी तुम्हें जल्दी आ गया था, आप बस चद्दर ओढ़ के मेरे पास सो जाओ, सो जाओ। अगर किसी ने सुन लिया ना तो तेरी मेरी दोनों की वाट लगेगी, समझा ना? वो खुराना है ना, खुराना एकदम येड़ा पागल है वो। तो फिर इसको डॉक्टर किसने बनाया? अरे बन गए वो, मैं क्या करूं? ये टकलू देख रहा है, टकलू देख देख देख, इधर के डॉक्टर लोग बहुत डेंजरस है, ये भी तेरी तरह बहुत बकबक करता था, बहुत उछलता था। तेरे को पता है इसके साथ क्या किया? इतना बड़ा रामपुरी लिया,
इधर काटा, सीधा घुसेड़ दिया चाकू सीधा खोपड़ी में, ऐसा ऐसा घुमाया पूरे भेजे का भुर्जी और शरीर का श्रीखंड बना डाला इसके। जिंदा लाश हो गया ये, इसका उठने का बैठने का खाने का पीने का चलने का हिलने का डुलने का सब बंद, बोले तो दिमाग का नसबंदी। ये डॉक्टर लोग बोलते उसे कोमा बीमा वो जो भी है, लेकिन अगर तू लेट आया हाँ तो तेरी जिंदगी पे कोमा लगेगा और मेरी नौकरी पे फुल स्टॉप, समझा ना, इसलिए टाइम पे आना भाई। तब तो तुम फिर जल्दी से मुझे अपनी वर्दी दे दो और तुम जाकर जल्दी से मेरे बिस्तर में लेट जाओ चद्दर ओढ़कर। आ जाओ चलो लाओ मुझे दो। पता नहीं ये बेवकूफ कहाँ चला गया, ये येड़ा अभी तक आया क्यों नहीं, मारवा डालेगा मेरे को। ओम शांति शांति ओम शांति शांति ओम। ओ शांति से बिस्तर में सो, चल इंजेक्शन का टाइम हो गया जा। चलो इंजेक्शन टाइम। ए आनंद चलो उठो, चलो उठो, क्या हो गया तुम्हें आज, अंधेरी इधर आओ, पकड़ो इसको जरा। अरे ये क्या नाटक है तेरा, हाँ सीधा रहे सीधा रहे। अरे चलो आनंद मेडिसिन ले लो, दवाई भी लो, चलो हार्ड और सोबी दवाई पी लो क्या तुम्हें, चलो उठो उठो चलो दवाई पियो, चलो चलो आनंद दवाई खा लो, चलो आनंद। नारायण तुम आज के बाद तुम इस अस्पताल के आसपास दिखाई नहीं देना, नमक हराम। यू आर डिसमिस्ड, गेट आउट फ्रॉम हियर, और इसे ले जाकर अंदर सेल में बंद कर दो। जब तक मैं ना कहूं सड़ने दो इसको अंधेरे में। दद्दू सर्ट भेज दिया। लम्हों को मोड़ लूं,
तेरी धड़कनों को छू लूं, तेरा जिस्म मोड़ लूं। बेचैनी को चैन तूने दिया है, बिन तेरे मुश्किल है रह पाना। हो पाना है तुझको ये तय कर लिया है, तू है इश्क मेरा जाने जाना। तेरे लबों से प्यार की कलियां तोड़ लूं, तेरी धड़कनों को छू लूं, तेरा जिस्म ओढ़ लूं। दिल कह रहा है तुझसे यूं रिश्ता जोड़ लूं, तेरी धड़कनों को छू लूं, तेरा जिस्म ओढ़ लूं। जीजस जी, मेरा नाम आनंद है। मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, थोड़ी सी मेरी भी हेल्प कर दीजिए। मैं आपके सर की कसम खा के कहता हूँ कि मैं एक ही लड़की से आंख बंद करके प्यार करूंगा और आंख खोल के प्यास काटूंगा, खुद भूखा रह जाऊंगा लेकिन इसको खिलाऊंगा। जीजस जी, मैं भले ही सिर्फ लंगोटी में घूमू लेकिन इसके लिए मैं महंगे से महंगे कपड़े खरीद के दूंगा, सारी उम्र से प्यार करूंगा। जब वो एक बूढ़ी आंटी भी बन जाएंगी तब भी मैं उनके साथ वैलेंटाइंस डे मनाऊंगा। इनके बुढ़ापे का सोना और सफेद बालों को चांदी समझूंगा। जीजस जी, आप तो पूरी दुनिया के लिए सूली पर चढ़ गए थे, मैं इनके लिए सूली पर चढ़ जाऊंगा क्योंकि यही मेरी दुनिया है। क्या हुआ बेटे? क्या जीजस जी को हिंदी आती है? वाह, गुड मॉर्निंग फादर। गॉड ब्लेस यू सन। क्या बात है, बहुत परेशान हो? फादर, आप यहां दिन रात कहते रहते हो ना कि प्यार बांटो, प्यारी सब कुछ है। हाँ बिल्कुल, पर कुछ लोग ये बात एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। समझाइए ने कि प्यार कितना महान होता है। किसकी बात कर रहे हो? है कोई चेहरा बहुत अच्छा, दिल कठोर, excuse me sister, I've come from the electricity department. Excuse, no parla inglese. कमाल है, इसको तो इंग्लिश भी नहीं आती। क्या कहा आपने? आपने क्या कहा? आपको हिंदी आती है? थोड़ा थोड़ा। लेकिन हमको यहाँ से बड़ा बड़ा कंप्लेन आता है इस अनाथ आश्रम से कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है जिसकी वजह से पूरे इलाके में बिजली चला जाता है। किसी एक कमरे के अंदर गड़बड़ है, वो हमको जाके चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देखो, हम बराबर देख के आते। नहीं नहीं रुको, ठीक है, हम नहीं जाती, शॉर्ट सर्किट हो जाती, आग लग जाती, सब नान जलकर नान बन जाती, तुमको पाप लग जाती। तुम्हारे सिर्फ एक गलती, जीसस क्राइस्ट मर्ली गेट कभी नहीं खोलती, हम चलती। ओ सिनोरो, के पासो फाचो, रुको, कंसरो में जाना। तुम माइंड चेंज करती, हम आती। एक मिनट। नो। Yes. तुमको कैसे पता चला इस रूम में प्रॉब्लम है? बस क्या यार, 50 साल के एक्सपीरियंस किसको बोलते हैं? 50? तुम तो 25 के लगते हो।
अरे लेकिन मेरे डैडी का भी तो 25 साल का एक्सपीरियंस करो ना, लाओ चाय दो। ठीक है पार्लर की करो, लड़का नो नो, जो करना है बाहर से करो। बाहर से? सिस्टर तुम ही टू मच हो, अंडा तोड़े बिना बाहर से कभी ऑमलेट बन सकता है? नहीं ना, दरवाजा खोलो। ओके ओके चलो दिखाओ क्या प्रॉब्लम है। नहीं 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 नहीं, मैं अकेले काम करती, तुम जाती, काम होने के बाद हम काउंटर पे चाबी छोड़ती। पास तो नहीं, दूर भी नहीं, मैं हूं तेरा साया। आई लव यू माया, आई लव यू। तुम्हारे लिए। पागल हो गए हो क्या? हाँ पागल हो गया हूँ, वरना कोई अच्छे खानदान से, अच्छी तालीम से एक पढ़ा लिखा लड़का कभी ऐसी ऊटपटांग हरकतें करेगा? लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। क्यों? मैं तुमसे तो क्या किसी से भी प्यार नहीं कर सकती, और ना ही शादी करके अपना घर बसा सकती हूँ, क्योंकि मैं एक नन बनना चाहती हूँ। प्यार, शादी, जिंदगी की सारी खुशियां छोड़कर जीसस के चरणों में अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मेरी शादी सिर्फ भगवान से होगी और मेरा प्यार सिर्फ इंसानियत की सेवा के लिए होगा। बस यही सीखती आई हूँ बचपन से फादर स्टीवन से, जब से मेरे माँ बाप चल बसे तब से। बस इसके अलावा और कुछ भी सोचना मेरे लिए पाप है। जो भी हो, but still, I love you. फादर मुझे आपसे कुछ जवाब चाहिए। यस सन, बोलो। इंसान को, दुनिया को, प्यार को किसने बनाया? भगवान ने। और ये सब किसके लिए बनाया? इंसान के लिए। तो फिर क्या भगवान कह सकते हैं कि दुखी रहो लेकिन मेरे पास रहो? नहीं। ऐसी कोई किताब है जहां लिखा गया हो कि भगवान को पाने के लिए एक इंसान को अपनी इच्छाएं, अपनी जिंदगी सबको त्याग देना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। सुना? जरा समझाइए ना माया को, वो चाहती है मुझे। माया, ये सच है क्या? सच है फादर, बिल्कुल सच है। मुझसे पूछिए ना आप,
देखिए इसकी खामोशी सब कुछ सच सच कह रही है। बोलो माया, ये सच है कि नहीं? सॉरी सन, जब तक वो खुद अपने मुंह से कुछ नहीं कहती मैं कुछ नहीं कर सकता। वो कहेगी, उसे कहना पड़ेगा, क्योंकि मैं उससे कलवा के रहूंगा। प्यार करती हो कि नहीं? देखो माया, मैं जानता हूं कि तुम जानती हो कि मैं जान चुका हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इस तरह चुप रहकर झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। मुझे पता था कि तुम कुछ नहीं कहोगी, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं चाहती तो मैं भी अपने आप को नहीं चाहता। देखो माया, लोग मर के जलते, मैं जल के मरूंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। पेट्रोल पेट्रोल माया, अब भी मौका है। मैं अपने आप को एक आखिरी चांस दे रहा हूं। मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौ नौ आगे बोलो ना, आगे नहीं मालूम क्या? नहीं बेटा, नहीं मालूम। बचपन से गणित मेरी कमजोरी रही है। आज मैं तुझे 2 नसीहत देके जाता हूं। 1, गणित पे ध्यान देना। 2, प्यार पे कभी ध्यान मत देना। और 10, पता है आनंद, मैंने हमेशा से एक ख्वाब देखा था। एक दिन आएगा वो सपनीला राजकुमार घोड़े पे सवार, बाहों में उठा के मुझे लेके जाएगा बादलों के पार। और पता है उस राजकुमार का चेहरा बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था। सच? तुम्हारी कसम। और घोड़े का चेहरा ऐसे ही था? पता है एक सवाल मेरे मन में हमेशा टिटी टिटी करता है कि लोग घोड़ा कैसे चला लेते हैं। अच्छा, अब सीखना है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ हो गया तो क्या होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। लेकिन आनंद, नहीं आनंद, मुझे नहीं सीखना है। आनंद मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। आजा आजा, अरे आजा ना। अरे कुछ नहीं, अरे बहुत इजी है। आनंद या क्या कर रहे हो? क्यों डर लग रहा है? थोड़ा थोड़ा। मैं तुमसे नहीं, घोड़े से पूछ रहा हूँ। आनंद प्लीज, मैं नर्वस हूँ। अच्छी तो ये लगा मैं ब्रेक्स है इसके, लेफ्ट टर्न ये राइट टर्न, इसे खींचोगे तो घोड़ा रुक जाएगा। और चलाने के लिए एडी थोड़ी सी पीठ में मार देना, बस। और एक ग्रिप टाइट रखना। Come on, let's go. Good. आनंद, माया, रुको। आनंद निकाल निकाल। माया लगाम खींचो। माया लगाम खींचो। माया, माया, माया।
जेल में कहीं जाऊंगी। माया, माया लगा की जो माया, माया। सवाल हमेशा मेरे मन में टिक 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 करता है। क्या? कि लोग गाड़ी कैसे चलाते हैं? एक बार बेवकूफ बन चुका हूँ, दूसरी बार बेवकूफ नहीं बनने वाला। कसम से मुझे गाड़ी चलानी बिल्कुल नहीं आती है। सच? हाँ। Really? हाँ बाबा हाँ। अच्छा, चलो आपको गाड़ी चलाना सिखा देते हैं। अभी नहीं, अभी नहीं, फिर कभी। नहीं अभी। अभी कुछ हो गया तो अभी के अभी। आनंद मुझे बहुत डर लग रहा है। तो कभी नहीं। प्लीज आनंद बैठो। बहुत आसान है, कॉन्सेंट्रेट करो। लेफ्ट है ये राइट, ठीक है? वहां पे जो लेफ्ट में है पेडल, वो है क्लच, बीच में ब्रेक और राइट में एक्सेलरेटर। जब भी आप गियर चेंज करोगी, ये गियर है वो क्लच दबा देना, ठीक है? हाँ दबाओ क्लच, ये फोर्स पे डालो, एक्सेलरेटर दबाओ, एक्सेलरेटर दबाओ। Yeah. Excuse me, move. Yeah, thank you. Very good. Cool. Cool. Fantastic. Arey, why you such a amazing learner? याद है उस दिन जब चर्च की छत पे मैं तुम्हारे पास दौड़ी चली आ रही थी, तब मेरी भी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। एक पल के लिए लगा तुम्हें अगर कुछ हो गया तो। चलो पहले तुमने मुझे चीटिंग से फंसाया, अभी मैंने तुम्हें फंसाया, हो गया ना हिसाब बराबर? कल क्रिसमस है और कल हमारी शादी भी।
आज मैंने अपने दोस्तों को शादी की दावत दी। मैंने माया को सबसे मिलवाया। जब उन्हें पता चला कि माया अच्छा गाना गाती है, तब उन्होंने माया को गाने के लिए जोर डाला, लेकिन वो हिचकिचाती रही। वो जोर डालते रहे और वो हिचकिचाती रही। ये लो। अरे अनंत, तू प्लीज अनंत मत कर। क्योंकि इतना प्यार तुमको, करते हैं हम, क्या जानोगे हमारी सनम। किया है दीवाना किया इस कदर, दीवाना किया इस कदर। चाहत में तेरी बुलाया जहां को न दिल को किसी की खबर, न दिल को किसी की खबर। रगों में मोहब्बत का एहसास जरा भर लो, हम तुम पे मरते हैं, फिकर कर लो क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। क्या जानोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। तमन्ना तुम्हारे लिए जिंदगी, तुम्हारे लिए जिंदगी। वादा संग जीने का तुम जान जिगर कर लो, हम तुमसे मरते हैं थोड़ी सी फिकर कर लो, फिकर कर लो क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हम। क्या जानोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। क्या जानोगे, क्या जानोगे, क्या जानोगे, क्या जानोगे?
माया किस ख्याल में खोई हुई हो? एक सवाल हमेशा मेरे मन में टिक 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 करता है कि लोग मछली की तरह तैर कैसे लेते हैं। काश मैं भी तैर पाती। अच्छा तो अब तुम्हें तैरना भी नहीं आता। ए, उठो, ये टेक्निक बहुत पुरानी हो चुकी है, अब तुम्हें कोई नया पैतरा ढूंढना पड़ेगा। आनंद सच में मुझे स्विमिंग नहीं आती है। अच्छा हाँ? तुम्हें तैरना नहीं आता? अच्छा ठीक है, मैं जाके बिल दे के आता हूँ, तब तक तुम तैरना सीख लो। मुझे हर बार धोखा नहीं दे सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है। 1, 2, 3 एक्सक्यूज मी सर, सर आपका बिल आपके लिए। थैंक यू सर। आनंद आज तो मजा आ गया, व्हाट अ पार्टी। थैंक यू मैन, चलकर शादी में मिलते हैं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ थैंक यू। थैंक्स। आनंद सॉरी तन्वी, मैं तुम्हारे पिताजी के कड़क फौजी ट्रीटमेंट में जरा भी यकीन नहीं करता। टिन 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 3 बार घंटी बजा दो, 2 गोली मुंह में डाल दो, अगर उछलने लगा पेशेंट तो बस शॉक दे दो और सुला दो, हो गया ट्रीटमेंट। अरे किसी आदमी की बीवी अपने पड़ोसी के साथ भाग जाए और किसी भिखारी को 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए, दोनों सदमे अलग हैं, दोनों को एक लकड़ी से कैसे हांक सकते हैं। खैर आनंद के बारे में क्या समझ पाई हो? कितना दर्दनाक केस है, मेरी तो आंख भर आई है सब जान के। तन्वी या तो वो अपनी पुरानी जिंदगी भूल चुका है या उन पुरानी यादों से दूर भागने के लिए पागलपन का ढोंग कर रहा है, वैसे भी इंसान के मन की गहराई को कौन समझ सका है। पर मुझे नहीं लगता कि वो ढोंग कर रहा है। ऐसे कई मरीज हैं जो अपने मन की बात छुपा कर रखते हैं हमसे, चोरों की तरह। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? वो चोर है तो हमें पुलिस की तरह उसके मन को पकड़ना चाहिए। टेक इट एज अ चैलेंज। आनंद आज कोई गाना नहीं गाओगे? आप मुझे कहीं बाहर ले जाओ ना। अगर पिताजी को पता चल गया तो हम उन्हें भी साथ ले चलेंगे। चलो ना प्लीज, मैं आपके लिए गाना गाऊंगा, मुर्गा बन जाऊंगा। बहुत दिनों से मैंने चांद और सूरज नहीं देखा, प्लीज चलो ना प्लीज। अच्छा पर आज नहीं कल।
अरे वो भागेगा नहीं, उसका दिमाग बिल्कुल बच्चे जैसा है। हमारी बात माने ना माने मगर उसे प्यार से समझाया जा सकता है। तो क्या मैं एंथनी को अपने साथ ले जाऊं? अरे नहीं नहीं, अगर उसे भागना होता तो कब का भाग जाता। मैं जानता हूं मेरे आनंद को। अगर पापा को पता चल गया तो? So what? It's part of treatment. और फिर वो फाइनली मेरी जिम्मेदारी है, मेरी निगरानी में है वो। तो फिर मैं ऐसा करूं ना? तुम्हें अपने आप पे भरोसा नहीं है? क्योंकि जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ करने जा रही हूं ना। इंसान अनुभव से ही तो सीखता है। फर्स्ट प्ले अलोंग द गेम एंड देन डिसाइड हाउ टू प्ले द गेम। हो गया, मैंने अच्छी शेव कर दी ना? मुझे कैसे पता, आप ही बताओ ना। अब चले? इन कपड़ों में? क्यों, अच्छे नहीं है? नहीं तुम्हारे नहीं, मेरे कपड़े। मेरे बैग में दूसरे कपड़े हैं, प्लीज ला दो ना। सूरज चांद भी देखने को मिलेगा। कू 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 Stop it! Anand? Koo? Koo? मौसम ने कहा फूलों से, फूलों ने कहा खुशबू से, खुशबू ने कहा भंवरों से, भंवरों ने कहा शबनम से, रह जाएंगे ये निशानियां, रहना रहे हम आज ले एक पल में सौ जन्म, आज ले एक पल में सौ जन्म, आज ले एक पल में सौ जन्म। तमन्ना जगा के तूने हमें जीना सिखाया, तमन्ना जगा के तूने हमें जीना सिखाया। तन्हा की हर लम्हा में तूने अरमानों को जगाया।
आजिले एक पल में सा जन्म, आजिले एक पल में सा जन्म। अस्पताल में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। एक मरीज जो खूनी है, स्किज़ोफ्रेनिक है, खुलेआम शहर में घूम रहा है, किसी पर हमला करेगा, रेप करेगा, कौन जिम्मेदार होगा इसका? अखबार वाले, टीवी चैनल वाले ऐसे सनसनीखेज समाचार के लिए भूखे बैठे हैं। धज्जियां उड़ जाएंगी इस अस्पताल की आबरू की, 25 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सोचा है ये सब? आंसर मी डॉक्टर सुनील। सर कई बार स्पेशल इलाज के लिए हम पेशेंट को हॉस्पिटल से बाहर ले जाते हैं। उन मरीजों की लिस्ट में आनंद का नाम है? नहीं। तो फिर? सर, आनंद कुमार एक स्पेशल केस है। क्या क्या कहा तुमने? स्पेशल केस? एक खूनी अचानक स्पेशल केस कैसे बन गया? ओह, आई सी। तुम्हारा रिश्तेदार जो ठहरा, नमक का कर्ज अदा कर रहे हो क्यों? और इस अस्पताल के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी? पापा, मैं आनंद को बाहर लेकर गई थी, सुनील भैया नहीं। लेकिन जब वो यहां से भागा, उस वक्त सुनील इंचार्ज था। मैंने सोचा उसे थोड़ी देर खुली हवा में लेकर जाओ तो गलत नहीं होगा। ऐसा कैसे सोच लिया तुमने? इतनी बेवकूफ, गैर जिम्मेदार और बचकानी हरकत कैसे कर सकती हो तुम? सॉरी, मनमानी करने वालों की मेरे यहां कोई जरूरत नहीं। जब तक वो सिरफिरा पागल पकड़ा नहीं जाता, तुम इस हॉस्पिटल में कदम भी नहीं रखोगी। इज इट क्लियर? सर, बट नो, शी इज सस्पेंडेड। आई एम ऑपरेटर, गिव मी पुलिस स्टेशन। सर, इट्स माय फॉल्ट। सर सुनील, व्हाट क्लोथ वाज ही वेयरिंग व्हेन ही लेफ्ट? जस्ट फाइंड आउट एंड लेट मी नो। यस सर। सस्पेंड मी सर? देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना है सुनील। लाल चुकियों, तुम्हारी तोड़ दी थी ना मैंने, यहाँ बहुत ढूंढी लेकिन यहाँ पर लाल चूड़िया की शॉर्टेज है, एक जगह मिली तो वहां से चुरा के लेके आया। अगर पुलिस यहाँ पे आए तो बोलना नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ। आओ मेरे साथ। Thank you.
कॉन्फ्रेंस तो 3 दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं कुछ दिन और रुकूंगा। करण भी लंदन वापस आ जाएगा तो मैं उसके साथ ही वापस आ जाऊंगा, और कोई भी इमरजेंसी हो तो तुम लोगों के पास मेरे सारे कॉन्टैक्ट नंबर तो हैं ही। एक बात और जो मैं खास तौर पर तुमसे कहना चाहता हूं, मेरे जाने के बाद इन मरीजों को भेड़ बकरियों की तरह आवारा मत घूमने देना। इनसे जरूरत से ज्यादा प्यार करोगे तो तुम्हारे कंधे पर बैठकर तुम्हारे कान खा जाएंगे। मरीजों को डॉक्टर का डर होगा तभी वो सीधा रहेंगे, समझ गए ना? यस सर। और बेटी मेरी वो छुट्टी की एप्लीकेशन टेबल पर रखी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचा देना। साहब मेरे से गलती हो गई साहब। अरे इसको अंदर किसने आने दिया? माफ करो ना साहब, नौकरी पे साहब। ऐसा पाप मत करो ना, मेरे छोटे छोटे बच्चे किधर जाऊंगा साहब, मैं तो रास्ते पे आ गया है साहब, मेरा सत्यानाश हो गया साहब, साहब मेरे को रखो। हेलो 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 दादू, किसे फोन लगा रहे हो? अमिताभ बच्चन को। अच्छा क्यों? उसका इनकमिंग फ्री है ना। मजाक मत करो, राहुल को फोन कर रहे थे ना। बड़ा जी कर रहा था उससे बात करने को। फिक्र मत करो, एग्जाम चल रहा होगा, एग्जाम खत्म होते मैं बात करवा दूंगा, ओके? टेंशन मत लो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। एक और दो ना। दिन में एक ही खानी चाहिए। नहीं नहीं, माइकल के लिए। तो ये भी वापस लो। अरे अरे ये ले ले, ये ले, ये ले। और आनंद, और क्या खाओगे? एप्पल खाओगे? हाँ हाँ, शाबाश। आनंद याद है रामधन का बगीचा? हाँ, जहां से हम लोग सेब चुराते थे चोरी चोरी, याद नहीं? रामधन। हाँ, 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 रामधन रामधन। हाँ, फिर मैं गिर गया था पेड़ से दो बार। वो क्या है? अरे फिर तो तुम्हें ये भी याद होगा कि हम गांव के पास शिवरात्रि के मेले में गए थे। हाँ, और वहां पर एक शिव मंदिर था, उसके पीछे बहुत सारे मोर, और तुमने जिद पकड़ ली थी कि तुम्हें वो मोर का पंख चाहिए। हाँ, और मोर का पंख मैं निकाल गया और मोर चिल्लाने लगा, और वो डंडा लेकर पंडित जी मैं आगे आगे, तुम मेरे पीछे और पुजारी हमारे पीछे, याद है क्या भागे थे हम लोग? हाँ याद है, याद है। हाँ फिर क्या चकमा देकर भागे थे, इस गली से उस गली, उस गली से इस गली, इस गली से उस गली, तुम्हें याद है ना? हाँ याद है तुम्हें? हाँ आपको अभी भी ये सब याद है? हाँ मुझे तो याद है। आनंद आनंद तुम्हें याद है ना? सुनील भैया। हाँ आओ ना सुनील भैया, आपका घर कहाँ है? हाँ आपका गांव कहाँ है? आप कौन है? सुनील भैया, मैं ये किताब लूं? तुम ये किताब पढ़ना चाहते हो? नहीं, इसके पन्ने फाड़ फाड़ के रॉकेट बनाऊंगा और उस हवलदार के थोबड़े भी मारूंगा। ये माया कौन है? फिर क्या हुआ? पूरी रात रामायण सुनाई, उसके बाद पूछता है कि सीता कौन है। कौन सीता? बाद में मिलाता हूँ, चलो। थैंक यू शाबिया। नो नो थैंक यू, थैंक यू।
बट यू नो समथिंग, जैसे मैंने माया का नाम लिया उसका चेहरा बदल गया। आनंद को उसका बीता हुआ कल याद दिलाने के लिए सिर्फ एक ही चाबी है, माया। क्या बात है, आज तुम इतने उदास क्यों हो? मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अच्छी कॉफी पिलाऊंगी। ठंडी हवा चल रही है, अपनी खिड़की का शीशा ऊपर कर लो। क्या हुआ? मुझे घबराहट हो रही है, यहाँ से प्लीज चलो, ये जगह अच्छी नहीं है, प्लीज चलो। ये मेरा घर है, आओ। तुम मेरे कमरे में जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। सुनना नहीं? नहीं। सुनील भैया, मैं गाना गाऊं, धीरे से गाऊंगा। अरे वाह, इतने दिनों से कहते कहते थक गया कि गाना गा, गाना गा, तू गाया नहीं और आज एकदम से धांसे जाग गया, क्या बात है? एक मिनट, हाँ, कान तरस गया तेरा गाना सुनने के लिए, कान तरस गए। याद है अपन गांव में नहाते नहाते गाते थे, गा गा। आपने मुझे बुलाया? तुम्हारे लिए एक खास तोहफा लाई हूं। पता है बचपन में मुझे बहुत तोहफे मिला करते थे, माँ बाबूजी सब दोस्त, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे तोहफे कम होते गए, आजकल तो मिलते ही नहीं। ये मेरे लिए ना तो दो ना। देखो तो सही। थैंक यू। खोलूं? Thank you.
क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जान लोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, हमारे दिल की तुम थोड़ी सी कदर कर लो, हम तुम पे मरते हैं थोड़ी सी फिकर कर लो, फिकर कर लो, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। ¡Suscríbete al canal!
कितने दिन हुए मुझे यहाँ आए। कैसे भूल सकता हूं माया। मुझे बताया कि तन्वी है भैया। भैया हाँ, अभी भी मुझे थोड़ा थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक तो हो गया हूं, मुझे पता है मैं यहां से जा सकता हूं। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे बड़े भाई को खबर कर दूंगा, वो तुम्हें आकर यहां से ले जाएंगे, है ना तन्वी? अब आनंद को यहां रखने की क्या जरूरत है, चलो आराम करो। मतलब आनंद यहां से चला जाएगा? हाँ और नहीं तो क्या, ऐसे कैसे जा सकता है वो? ठीक है जाने दो उसे, जाना ही चाहिए उसे, कौन हूं उसे रोकने वाली? लगती हूं क्या उसकी रोकने वाली? जाना चाहिए उसे, जाने दो। ये क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, ऐसे ऐसे बेकार के ख्याल तुम्हारे मन में मत आने दो। हाँ अगर आ भी रहे हो ना तो उसे आगे बढ़ने से पहले अपने मन ही में दबा दो। हाँ सुनील भैया, कोई मुझे यहां समझ नहीं पा रहा सिवाय आपकी। अगर आनंद इस अस्पताल से चला गया तो मैं यहां कभी वापस नहीं आऊंगी। तन्वी चलोगी ना मेरे साथ? बदले सनम दर्द दिल ले चुके, दिल के बदले सनम दर्द दिल ले चुके, दे चुके दे चुके तुझे दिल ये दिल दे चुके, दिल के बदले सनम दर्द दिल ले चुके, दे चुके दे चुके। तुमको ही देख के सांसें चलती हैं, चलती है सनम। अब ना तन्हा तन्हा रातें ढलती हैं, ढलती है सनम।
चुके क्या? नमस्ते साहब। करण तुम थोड़ा फ्रेश होकर आराम करो, मैं तन्वी को हॉस्पिटल से लेकर आता हूँ। जी अंकल। ठीक है, साहब का सामान ले जाओ, गेस्ट रूम में रखो। सर हमारा वो 42 नंबर का पेशेंट था ना, रामानंद नासिक वाला, उसे उसके माँ बाप आकर ले गए, बहुत खुश थे, कल आ रहे हैं आपको मिठाई देने। वेरी गुड, बहुत अच्छा, उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। और कुछ? सर एक और गुड न्यूज है, वो हमारा 36 नंबर का पेशेंट है ना आनंद, वो कंप्लीटली क्योर हो गया सर। एक महीना और इलाज खत्म? यस। कांग्रेचुलेशन सुनील। मुबारकबाद मुझे नहीं, तन्वी को देनी चाहिए, इसने अपनी इस केस के लिए अपनी जान लगा दी है सर। सर मैंने आनंद के भाई और उसके लॉयर को इन्फॉर्म कर दिया है उसे ले जाने के लिए, और मुझे यकीन है कि कोर्ट भी उसे छोड़ देगी। गुड गुड गुड। बेटी ये करण घर पे अकेला बैठा होगा, जाओ जाकर उसे कंपनी दो। और सुनो तुमने मुझे अपने वो दोस्तों की लिस्ट नहीं दी जिन्हें इनवाइट करना है, वो भी कंप्लीट करके मुझे दो। अच्छा सुनील आप कुछ दिन अपने पेट को जरा आराम दीजिए, क्योंकि तन्वी की शादी में खाना पीना जबरदस्त होगा। ये लो, ये रहा शादी का पहला इन्विटेशन, तुमसे शुरुआत कर रहा हूं। हमारे लिए तुमसे ज्यादा करीबी और कौन हो सकता है? क्यों तन्वी? सुनील शाम को क्या कर रहे हो? घर पर आ जाओ, डिनर करेंगे एक साथ। और फिर करण से तो अभी तक तुम मिले ही नहीं, सिर्फ तस्वीर देखी है उसकी। मिलोगे तो जान जाओगे कि मैंने कितना परफेक्ट लड़का ढूंढा अपनी तन्वी के लिए। कम ऑन तन्वी, डू कम, डोंट डिच। जाने जाने पता नहीं अपन कौन सी हालत में वापस आएगा, लेकिन जैसे भी हालत में आएगा अपने को लेके जाने का किधर डालो। अच्छा साहब, ये बुढ़ाओ वो मिलिट्री का बच्चा घर पे है क्या? कौन? अरे तेरा सेठ। बुला उसको। बुलाता हूँ। बुला। नारायण क्या कर रहे हो यहाँ? नमस्कार साहब। साहब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, माफी मांगने आए। साहब मेरे को काम पे रोको ना साहब। नामुमकिन साहब, ऐसा मत कीजिए साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अपने फैसले नहीं बदलता। ये आपका आखिरी फैसला है साहब? हाँ साहब, अब बुरा नहीं मानेंगे तो एक बात बोलूं साहब। क्या? ये बाहर खाओ खुराना, अरे तू तेरी जात को समझता क्या साले? ए नारायण। अरे नारायण क्या तेल ले ले, यानी तू क्या अपने आप को बहुत बड़ा गवर्नर समझते है, महाराजा समझते है? अरे इधर से भारत से गया वो इंग्लैंड, उधर रिचर्ड नाम के किसी आदमी का बाथरूम बाथरूम साफ करके उधर से ढेर सारे पैसे लेके आया, इधर एक बंगला खरीदा, वो बंगले में 10-12 मेंटल लोगों को डाल के उनके ऊपर मिलिट्री का कानून ठोक के उनको तो हाँक रहा है। अरे तू बेवकूफ नहीं है, एक नंबर का कमीना कमीना। अरे इसको अंदर किसने आने दिया? ये मिलिट्री की औलाद। अरे पहले तेरी औलाद को काबू में रख,
आज मैंने देखा दो प्रेमी पंखी ऐसे पेड़ के पीछे पुचुक पुचुक गाना गा रहे थे। वो कौन सी बताए? एक तेरी चिकनी जवान लड़की और दूसरा वो येड़ा आनंद। ए बकवास बंद कर। ए तू चुप, बीच में मत बोल। आज सिर्फ मैं बोलूंगा। मैं मेरी साइकिल पे इतना बड़ा भोपू लगा के पूरे गांव में ठिंडोरा पिटूंगा। तेरी तन्वी और वो येड़ा आनंद प्यार में है। मां कसम, मैंने तेरा और तेरी बेटी का नाम बदनाम नहीं किया ना, तो मेरा नाम तेरी कुत्ती नहीं, तेरा नाम तेरी कुत्ती को रहेगा। सॉरी सर। वो करण कमिन सर, कमिन। मैं जब भी काम के सिलसिले में टूर्स पर जाता हूं तो इस अस्पताल की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे भरोसे पर छोड़कर जाता हूं, अपनी बेटी तन्वी की भी। सुनील, मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया है, अपना मान के। हमारे बीच सालों साल का रिश्ता है, मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम इस विश्वास को कभी तोड़ोगे। आज मैंने अपनी बेटी के बारे में बहुत ही घटिया बात सुनी है। मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि यह सच है या झूठ। बात घटिया है तो वो तन्वी के बारे में हरगिज नहीं हो सकती। तन्वी और आनंद के बीच एक डॉक्टर और मरीज के रिश्ते के अलावा कोई और रिश्ता हो सकता है? तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। ये आपने तन्वी से नहीं पूछा? मुझे उससे कुछ नहीं पूछना, सच जानना है। आनंद के इलाज के पीछे तन्वी का बहुत बड़ा हाथ है, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि उनका रिश्ता इस हद तक पहुंच जाएगा। तुम तो अच्छी तरह जानते हो इस अस्पताल को लेकर, तन्वी को लेकर मेरे बहुत सारे सपने थे, बहुत सारी एम्बिशंस थी। मैं उन्हें इस तरह बिखरते हुए नहीं देख सकता। सुनील, मैं तन्वी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन उसे एक पागल के हवाले कैसे कर लूं? सुनील, तुम मेरी बेटी को समझाते क्यों नहीं? I'm afraid, उसे कोई फायदा नहीं, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। I will not allow this. I will never allow this. तन्वी, आनंद कौन है? अस्पताल में एक मरीज है। मतलब तुम डॉक्टर, वो मरीज, इतना? नहीं। तो फिर? मैं आनंद को चाहने लगी हूं। चाहती हो और शादी भी करना चाहती हो, है ना? हाँ। यू नो तन्वी, आज मुझे यकीन हो गया कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हो सकते हैं, वरना तुम मेरे साथ इतनी फ्रैंक नहीं हो सकती। एनीवेज, बेस्ट विशेस, मुबारक हो। करण, वो बात करण मैम, छोड़ो, तुम मुझे अपना बहुत ही कहो। इमोशनल होने का मतलब नहीं कि तुम इतनी फॉर्मल हो जाओ। रिलैक्स तन्वी, मैं तुम्हारी खुशियों के बीच कभी नहीं आना चाहता, बस। तो बात इस हद तक पहुंच चुकी है। लोग कहते हैं कि मुझे प्यार करना नहीं आता, और बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि मैंने अपना सारा का सारा प्यार तुम्हें दिया है, और अब तुम अगर मेरे इस प्यार को ठुकराकर उस पागल खूनी के पीछे जाओगी तो मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा।
और अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो मैं एक बेरहम बाप बनने की हद तक जा सकता हूं। आई कैन बी अ वेरी क्रूअल फादर। गुड मॉर्निंग सर। सुझा ससुराल में आयो, माँ बाप ने कुछ तमीज वगैरह सिखाई है कि नहीं कि पैदा करके छोड़ दिया, इसी के भी कैबिन में घुस गए और बैठ गए, और वो भी उसके सामने जो उम्र में बड़ा है। सर बेटा कभी अपने बाप से इजाजत देता है बैठने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको बुरा लगा है मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। तुम क्या समझते हो, तुम ठीक हो गए हो? तुम पागल नहीं हो, तुम अपने आप को बहुत अकलमंद समझने लगे हो। अबे तुम पागल हो, पागल। हर कोई पागल है सर, अकलमंद के लिए बेवकूफ पागल है और बेवकूफ के लिए अकलमंद पागल है। कोई भी चीज हद से ज्यादा इंसान के लिए खराब है, प्यार भी। मैंने वही किया, लेकिन आज आई एम एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर तुम्हारे जैसे सर फिरे, घन चक्कर, अपने आप को मैं नॉर्मल हूं का सर्टिफिकेट देने लगे तो फिर मेरी यहां क्या जरूरत है? जिनके लिए डॉक्टरी सेवा है उनकी सख्त जरूरत है, जिनके लिए पेशा है बिजनेस है उनकी कोई जरूरत नहीं। आप ही डिसाइड कीजिए आपके लिए क्या है। Shut up! तुम अपने आप को बहुत बड़ा रोमियो समझते हो, किसी भी लड़की को देख रोमियो की तरह उसके पीछे पड़ जाना एक मानसिक रोग है। देखिए स्कर्ट तो पड़ गए पीछे, चाहे माँ हो या बहन हो या जिंदगी बचाने वाली डॉक्टर। यू आर जस्ट लाइक एन एनिमल। बस ये घटिया घिनौनी सोच आपके दिमाग में आई, मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। और आप चाहते हो कि मैं आपकी इज्जत करूं? इज्जत उम्र के साथ साथ नहीं बढ़ती बल्कि कमाई जाती है। देखिए मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, आप मुझे जाने दीजिए। जाने दूं? कहां? घर। मुझे कोर्ट जाके अपने आप को बेगुनाह साबित करना है। देखिए डॉक्टर साहब मेरे भाई आ चुके, आपके सारे बिल्स क्लियर हो चुके, बस अब आप मुझे जाने दीजिए। तुम यहां से जाओगे या यहां रहोगे इसका फैसला मैं करूंगा, मैं, समझे? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? मैं यहां कुछ भी कर सकता हूं, कोई मुझसे सवाल पूछने वाला नहीं है। एक सिक्योरिटी लेकर जाओ इसे और शॉक ट्रीटमेंट की तैयारी करो। शॉक? आप भी शॉक क्यों दे रहे? मर्जी, मेरी मर्जी, आपको पता है मर्जी में जो आपको पता है कि मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, आपको पता है कि मैं पागल नहीं हूं। भैया भैया मुझे यहां से ले चलो, भैया मैं ठीक हो गया, भैया भैया मुझे यहां से ले चलो, यहां से ले चलो भैया, भैया भैया मैं ठीक हो गया, भैया भैया मुझे यहां से ले चलो। डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है? मुझे तो कहा गया था मेरा भाई नॉर्मल हो गया है। हमें भी ऐसे ही लगा था कल तक, लेकिन इस तरह की दिमागी बीमारी में अचानक ऐसा हो जाता है। लगता है मरीज ठीक है लेकिन फिर अचानक दौरा पड़ जाता है। आपकी मर्जी, आप ले जाना चाहते हैं उसे? जब वो नॉर्मल हो जाए आप मुझे खबर कर दीजिएगा, मैं उसे ले जाऊंगा। आप फिक्र मत कीजिए, ही इज इन सेफ हैंड्स। ये ज्यादती है सर, दिस इज क्रूअल। आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम और डॉक्टरी पेशे को मिक्स कर रहे हैं, ये सरासर गलत है सर। अच्छा तो आप क्या कर रहे हैं? इतने सारे मरीजों के बजाय सिर्फ इसी मरीज में आपकी दिलचस्पी क्यों बढ़ती जा रही है, बोलो। ओ, एक अमीर घराने के खूनी वैसी बेटे के लिए दुल्हन ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी है ना? सर इस वक्त आप सही या गलत समझने की मानसिक स्थिति में नहीं है। सबकी भलाई इसी में है कि आप आनंद को छोड़ दें प्लीज। जब तक मुझे पूरी तसल्ली नहीं हो जाती कि मरीज ठीक हो गया है मैं उसे घर वापस नहीं जाने दूंगा। आनंद की याददाश्त, उसका बर्ताव, उसकी बातचीत, उसकी हरकतें बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह है सर। मेरा बरसों का एक्सपीरियंस गलत नहीं हो सकता सर। तुम्हारे कहने का मतलब है कि इतने साल तक मैंने घास काट दिए? मेरी ऑब्जर्वेशन गलत है? गलत है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तन्वी का प्रॉब्लम और आनंद का इलाज, इन दोनों को मिक्स मत करो सर। मैं बात करूंगा तन्वी को, मैं समझाऊंगा। नहीं, नो, उस पर कुछ असर नहीं होगा। तो फिर आनंद पे पागल का ठप्पा मार के उसे यहाँ बांध कर रखना मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ठीक है, दो चार हफ्ते की छुट्टी लेकर कहीं चले जाओ और आराम करो। How can you be so cold-blooded, sir? प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आनंद को छोड़ दीजिए सर। नहीं, मेरी बेटी की भलाई से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। तो आप भी सुन लीजिए,
दूसरों की जिंदगी भी जिंदगी है। आनंद को बचाना मेरा फर्ज है और मैं जानता हूं उसे किस तरह पूरा करना। नहीं, अगर आनंद यहां से छूट कर चला गया तो मैं अपनी तन्वी को खो बैठूंगा हमेशा के लिए, और मैं ऐसा किसी भी हालत में नहीं होने दूंगा। एक बात और, मुझे यहां सिर्फ उन लोगों की जरूरत है जो मेरी बात माने, मेरी बात सुने आखिरी शब्द समझ कर। अगर मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो इस्तीफा दे दो या फिर मैं डिसमिस कर दूंगा। ये अस्पताल नहीं, जेल है जेल। आनंद ने ऐसी कौन सी गलती की जो उसे कैदी बनाकर यहां रखा जा रहा है? किया है, तुमसे प्यार किया है। अगर प्यार करना इतना बड़ा गुनाह है तो तुम सबसे बड़ी गुनहगार हो, क्योंकि तुमने ये सिलसिला शुरू किया है सब कुछ जाते हुए भी। सुनिए भैया, ये सब कहकर मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता, पर मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। आनंद को तो मुझे बचाना पड़ेगा ही। मैं पापा से बात करके देखूं, शायद वो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। जो आदमी नफरत और खुन्नस में अंधा हो गया उसे कुछ समझ में नहीं आता। मैं समझाऊंगी, पापा से कहूंगी कि मैं करण से शादी करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, आनंद से प्यार करने की सजा मुझे दो। तुम ऐसा नहीं करोगी, ऐसे करने से क्या होगा, आनंद छूट हो जाएगा, मगर बाहर निकलने के बाद फिर ऐसा हो जाएगा जैसे वो यहां आया था, बिखर जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? वो मुझे भी नहीं मालूम। चाहे कुछ भी हो जाए, आज रात भगा दूंगा, खोल दूंगा उसे, फिर चाहे वो कहीं भी चला जाए। लेकिन आनंद यहां से अकेला नहीं जाएगा। ये फैसला तुम्हें ही करना होगा, मगर जहां जाओगे तुम दोनों खुश रहोगे। बताए मुझे, चलो डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। आनंद, जीवन में हर प्रॉब्लम का उपाय है। देखो, बेहतर यही होगा कि तुम तन्वी से कह दो कि तुम्हें उससे कोई प्यार व्यार नहीं था, तुम्हारी मरी हुई प्रेमिका अभी भी तुम्हारे मन में जिंदा है। तन्वी मान जाएगी, फिर जैसे ही उसकी शादी हो जाएगी मैं तुम्हें यहां से छोड़ दूंगा, तुम्हारा जहां मन चाहे वहां चले जाना। एक पागल को समझाने आए हैं। मुझे पता है तुम पागल नहीं हो। तन्वी के प्यार में। बकवास बंद, सड़ते रहो यहां हमेशा के लिए। कब तक आप मुझे कैद करके पागल बना के रखेंगे? जब तक मैं मरता नहीं तब तक, और जब तक तुम जिंदा हो तब तक कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। Nobody can save you. Lock him up. सर,
Are you all right, sir? हेलो तन्वी, बाहर बहुत ठंड है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आ जाओ। सिस्टर सावंत, यस सर, नंबर 36 को ऑपरेशन थिएटर में ले आइए। ओके सर। पीछे के पाइप में लीकेज है। यस सर। प्लम्बर को ले जाओ, चेक करो। यस सर। क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं तन्वी, तुम कुछ भूल रही हो। क्या? अब तुम्हें अंगूठी की कोई जरूरत नहीं, उतार दो। तो दिया होता, कुछ तो कर सकता, से दूर हमेशा के लिए, जहां तुम्हें खुशियां मिले, जहां मैं पाए, मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है। अभी देखना, झटके से उठेगा और सबको डराएगा। उसने कहा था ना, चला जाएगा, वो चला गया। कॉल द पुलिस।
मार डाला उसे। मैंने आपका नमक खाया ना, निभाया उसे। I did it for you. आपके लिए मैंने उसे मार डाला। जीते जी, मेरा वो आनंद यहां किसी को नहीं चाहिए था। So I did it for him. मैंने उसी के लिए उसे मार डाला। और सुनील भैया कहकर मुझे एक बार भी ना पुकार सके। वैसा आनंद मुझे नहीं चाहिए था। So I killed him for myself. मैंने मेरे लिए उसे मार डाला, मेरे लिए। Ready, six?